अस्सलाम वालेकुम। आज HF इलेक्ट्रोनॉटिक्स की तरफ जो नेक्स्ट क्लास अपलोड की जा रही है, इसके अंदर हम लोग आपको सिखाएंगे कि किस तरह रेस्पबेरी पाई को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ इंटरफेस किया जाता है, किस तरह इसका जो SD कार्ड है उसको बूटेबल बनाया जाता है जो हमारे रेस्पबेरी पाई के साथ इस्तेमाल किया जा सके। और आज एक छोटा सा डेमो हम देंगे कि किस तरह हम लोग इसकी GPIO जो पिन है, जो मेरे पास रेस्पबेरी पाई है इसके जो GPS पिन है उसको किस तरह कंट्रोल करके हम लोग एक LED को कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे एक रेस्पबेरी पाई से हम लोग सोनार को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसी के साथ हम लोग किस तरह उसका जो ऑडियो जैक है उसको चला सकते हैं। एक छोटा सा हम डेमो ले लेते हैं कि रेस्पबेरी पाई के अंदर चीज़ें कौन कौन सी हैं। ये हम लोग ये इसकी HDMI पिन है, ये इसका एंड्रॉयड केबल है जिसे हम पावर अप करते हैं, और इसका ये हमारे पास इथरनेट है, ये हमारे पास USB पोर्ट्स हैं जिससे हम कीबोर्ड्स वगैरह माउस वगैरह लगा सकते हैं, ये इसका डिस्प्ले के लिए जैसे आप कोई भी स्क्रीन लगा कर उसका डिस्प्ले ले सकते हैं, और इसका जो ये कैमरा है हम लोग कोई भी पिक्चर्स वगैरह लेके अपने सर्वर के ऊपर दे सकते हैं, या इसको कैमरे से जैसे जो भी मॉनिटर करना हो हम उसको कर सकते हैं। ये इसकी सारी की सारी GPIO जो पिन है, GPIO का जो फुल फॉर्म है वो है जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट पिन है, और इसीलिए इसके अंदर ये SD कार्ड है। SD कार्ड इसकी मेमोरी, जैसे हम हार्ड डिस्क वगैरह अपने लैपटॉप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरह ये मेमोरी के तौर पे काम किया जाता है। रेस्पबेरी पाई असल में एक खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे हमारे पास कंट्रोलर्स होते हैं आर्डिनो वगैरह ESP32, वो सारे के सारे हमारे पास कंट्रोलर्स हैं, वो उनका अपना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे हम इसकी बात करते हैं हमारे पास नोड MCU है, ये एक कंट्रोलर के तौर पर काम किया जाता है, इसका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके अंदर हम लोग कोड रन करते हैं जो आर्डिनो IDE के ऊपर बनाया जाता है, उसके अंदर अपलोड किया जाता है। तो हम लोग जंप फॉर द नेक्स्ट वीडियो, हम नेक्स्ट वीडियो के ऊपर हम लोग आपको बताएंगे कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, उनको हमें कैसे कैसे इंस्टॉल करना है।